Hello everyone, it's Mansi and welcome back to my channel. So I'm back with another haul video and ये वाला haul video again होने वाला है Meesho haul video. ठीक है, सो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं मीशो के टॉप्स और ड्रेसेस. सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने तक जरूर देखना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्क्रीनशॉट और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो ये जो स्टफ मैंने मंगवाया लाइक इसमें मैंने 3 टॉप्स और 2 ड्रेसेस परचेस किए हैं. और ये जो ड्रेसेस हैं और ये जो टॉप है ये मैंने एक ही लाइक शॉप से परचेस किया. लाइक मैंने एक टॉप देखा था, फिर मैंने उनके मतलब जो सेलर थे उनके ही पेज पे जाके मैंने देखा तो मुझे ये सारा स्टफ अच्छा लगा. तो मैंने सोचा एक बार इसी का ट्राई करते हैं कि कैसा आता है. ये सारा मुझे एक ही दिन में लाइक आज ही मुझे रिसीव हुआ है ये, और बहुत रीजनेबल है. लाइक ये 5-6 चीजें ना मुझे 199 समथिंग में हुआ है. लाइक 2000 के अंडर में ये सारा आया है, मतलब कहने का मतलब ये है. ठीक है, सो ये सारा स्टफ बहुत रीजनेबल है और लाइक अफोर्डेबल तो है ही. आप इनमें से कुछ भी अगर टॉप आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं. मैंने एक्चुअली ये ना इसे ओपन करके देख रखे इसलिए फैले हुए से दिख रहे हैं. तो फर्स्ट बात करते हैं इस ड्रेस की. ये ड्रेस अगर मेरे हाथ में आई तो इस ड्रेस की बात कर लेते हैं. सो ये ड्रेस आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है. लॉन्ग में है, लाइक यहाँ से स्टार्ट है इसका और ये आपको पूरी लॉन्ग में मिल जाती है. पर मुझे ऐसा लगता नहीं है मुझे प्रॉपरली फिट आएगी. ओके, इसमें स्लेट भी है. वाओ नाइस. बट जो पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ शायद ये वो नहीं है. कलर शेड और पूरा डिफरेंट आया. पूरा पैटर्न तो वही है बट डिफरेंट आया. पूरा कलर तो वो सेम नहीं है. और इसमें आपको यहाँ से स्लेट मिल जाता है. ये तो मैंने अब देखा है स्लेट, इसमें स्लेट मिल जाता है. और ये कुछ इस तरह से मिलेगी आपको. इसकी जो स्ट्रेप्स है एडजस्टेबल नहीं है बिल्कुल भी. और आपको फ्रंट में वी नेक मिल जाता है, थोड़ा सा सी थ्रू हो सकता है. और साइड में आपको यहाँ से चेन मिल जाती है. लाइक ये चेन है, आप इसको लाइक अगर यहाँ से थोड़ा सा टाइट आता है तो पहले इसको ओपन करके फिर इसको वेयर करना आ जाएगा. वैसे तो आना नहीं चाहिए क्योंकि स्मॉल है तो स्मॉल आ जाएगा. लाइक थोड़ा सा अगर आपको ये है कि फिटिंग करवानी है तो आप इसको फिटिंग भी करवा सकते हो. काफी ज्यादा लॉन्ग में और काफी ज्यादा इसमें लाइक वो घेर है, वो सर्कल वाला जो आता है ना वैसा वाला है. और बैक से आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ इस तरह का नेक मिलेगा. स्क्वायर नेक नहीं है ये वी नेक बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये बना नहीं. सो इसका ओवरऑल अच्छा है, लाइक ठीक ठीक है, ज्यादा कुछ खास भी नहीं है. और अगर आपको चाहिए कोई ऐसी मैक्सी ड्रेस, फ्लोरल ड्रेस अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो. लाइक इसमें फ्लोरल वाला ही पैटर्न है, लाइक सब में फ्लावर्स वगैरह बने हैं. थोड़ा सा प्रिंटेड वाला लुक है, अच्छा वाला लुक है. बट इसमें जो मैंने परचेस करना था वो ब्लू शेड में था और वो सैटिन में था शायद से. इसका फैब्रिक में आपको क्रीप लग रहा है मुझे. मैं साइड में मेंशन कर दूंगी आपको यहाँ पर साइजेस और इसका जो प्राइस है वो आपको मेंशन कर दूंगी. और इसकी फिटिंग भी मैं आपको बता दूंगी कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसको पहना नहीं है. तो मैं इधर साइड में मेंशन कर दूंगी फिटिंग का भी, देख लेना नंबर्स के अकॉर्डिंग. स्लीवलेस है और जिप मिल जाती है. काफी अच्छा है, मतलब ठीक ठीक है. 400 में अगर आपको ये ड्रेस मिल रही है तो ठीक है, इट्स ओके, आप परचेस कर सकते हो इसको. बीचेस टाइप के लिए तो बहुत अच्छी है, लाइक पर ऑफिस पर्पस के लिए नहीं है ये, पार्टी के लिए भी नहीं है. बीचेस टाइप पे ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो थोड़ी सी बहुत लाइट वेट होती है, ज्यादा हैवी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं है इसमें ऐसा हैवी वाला, बहुत लाइट वेट है. तो आप परचेस कर सकते हो. सो बात करते हैं इस टॉप की. ये टॉप मैंने ना अभी वेयर करके देखा था, ठीक है, ट्राई ऑन से, मतलब वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको वेयर करके देखा था. बहुत प्यारा टॉप है, सीरियसली बहुत प्यारा टॉप है. पर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे इस साइड से थोड़ा सा छोटा आया है और इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा है. लाइक देखो आप आगे से देखो इसका लुक ना कुछ इस तरह से है, ठीक है, सुंदर सा है. बहुत सुंदर टॉप है, मरून कलर में है, प्रिंटेड वाला है. और ये पूरा आपको मिल जाता है ऑफ शोल्डर. अगर आप चाहो तो इसे एज अ स्लीव भी वेयर कर सकते हो. और इसकी स्लीव में भी यहाँ पर इलास्टिक है, यह पूरा पफ मिल जाता है, पूरा अच्छा सा पफ मिलता है. और देखो फ्रंट में यहाँ पर डिटेलिंग्स की हुई है, थोड़ा सा रैफिल लगाया हुआ है, बनाया हुआ है. बैक से देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल है. फ्रंट से थोड़ा सा क्रॉप आने वाला है, कुछ इस तरह से शेप आने वाली है इसकी. और साइड में आपको इसमें जिप भी मिल जाती है, काफी अच्छा इलास्टिक है, स्टिक होने वाला है, ज्यादा टाइट भी नहीं है, ओवरऑल ओके ओके है. और बलून भी अच्छा है, लाइक स्लीव यहाँ तक आपको आ जाएगी इजिली, ठीक है. और बहुत अच्छा है, क्यूट है, बहुत क्यूट सा टॉप है, बहुत डी मतलब बहुत प्यारा सा है. अगर हाई वेस्टेड जीन्स के साथ इसको पेयर अप करोगे तो बहुत सुंदर लगने वाला है. व्हाइट जीन्स के साथ पेयर करके देखना, बहुत सुंदर लगेगी वाली. तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये था. इसका ट्राई ऑन और इसकी पिक्चर आपको दिख जाएगी तो आप उसको देख लेना अपने अकॉर्डिंग. साइज इसमें मेरा स्मॉल था और सब में मेरा साइज स्मॉल है, ठीक है. मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में कुछ नहीं मंगवाया क्योंकि ये वाला टॉप मुझे अच्छा लगा था.
ये वाला टॉप सीरियसली मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ये वाला टॉप तो एक तो ये स्मॉल में ये परफेक्टली नहीं आ रहा है, बट मुझे ये वाला टॉप इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये अच्छे से आने वाला है। इसमें आपको ना एडजस्टेबल तो नहीं मिलती है, लेकिन स्टेप इसमें नोट वाली मिलती है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लगा सकते हो, चाहे शॉर्ट करनी है चाहे लॉन्ग में करना, कैसे भी वी नेक आपको मिल जाता है बैक से, देखो आप थोड़ा सा डीप सब मिल जाता है बैक में, ठीक है। और फ्रंट में आपको कुछ स्टार्टिंग में यहाँ से ना ये वाला जो इसकी स्ट्रेप है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगी, फिर उसके बाद में जो ये लॉन्ग वाली स्ट्रेप्स है ये राउंड होके फिर इसमें नोट बनेगा, तो मतलब ओवरऑल इसका लुक अच्छा आएगा, आप इसको किसी भी तरह से वेयर कर सकते हो, आप जिस तरह भी करना चाहो, और सुंदर लुक आएगा। मतलब ओवरऑल कहने की बात ये है कि अच्छा लगेगा ये। और इसमें किसी तरह की जिप वगैरह है? इसमें जिप है, मुझे लगा इसमें जिप तो नहीं होगी, क्योंकि और ये सारे जो टॉप है ना ये लाइक स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रीम मटेरियल है इनका, तो आप एक बार देख लेना, आपको साइड में दिख जाएगा मटेरियल, मुझे फैब्रिक नहीं पता इसका, तो आप साइड में देख लेना। और यहाँ पर आपको जिप मिल जाती है, काफी लॉन्ग में है, मतलब पहन सकते हो अच्छे से, और ये वाला भी बहुत सुंदर लगेगा लाइक ब्लैक जीन्स के साथ, ये तो ब्लैक तो किसी के साथ भी पेयर करके पहनोगे ना तो भी सुंदर लगेगा। ट्राई ऑन देखना, ट्राई ऑन में आपको अच्छा लगेगा शायद ये, तब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग में इसकी स्ट्रेप्स आपको मिल जाती है, और स्टिचिंग थोड़ी ठीक नहीं है, बट इट्स ओके, 300-400 के बीच में ये है, तो ये भी अच्छा टॉप है, लाइक बुरा नहीं है, लाइक अमेजन हॉल से तो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कम प्राइस में भी आपको इतनी अच्छी चीजें मिल जाती है, और उधर ज्यादा प्राइस में भी आपको नहीं मिलती। सो बात करते हैं नेक्स्ट इस ड्रेस का, तो ये आपको ना सैटिन में मिल जाती है प्रॉपर, इसका तो फैब्रिक मुझे पता ही है, ये सैटिन में मिल जाती है, और इसकी जो स्ट्रेप्स है वो एडजस्टेबल मिलती है आपको, और बैक से बिल्कुल क्रिस क्रॉस में आएगी, और फ्रंट से वी नेक में आएगी, और थोड़ा ना बहुत सुंदर सा लुक आ रहा है इसका, और प्रिंटेड में है ये भी ऐसे चेंज होके आई है, लाइक मैंने ये वाली ऑर्डर नहीं की थी, बट ये फ्लोरल में आई है, तो ठीक है, ओके ओके है, बहुत शाइनी सी है। एंड बैक से आप देखोगे तो इसमें स्ट्रेप्स मिलेंगे आपको, एडजस्टेबल है, और यहाँ से नोट भी बांध सकते हैं, वैसे इस नोट का कोई काम नहीं है, लाइक ये ऐसे ही दे दी इन्होंने टाइम पास। सो ये आपको थोड़ा लॉन्ग में आएगी, लाइक नीस तक ही आपको आ जाएगी, और परफेक्टली फिट तो नहीं आएगी, बट हाँ थोड़ा सा लूज वाला लुक आने वाला है इसका, तो ये अच्छी लगेगी। ओके ओके ड्रेस है, ज्यादा खास भी नहीं है, बट अगर इस लाइक देखो इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा, और प्यारा सा लाइक अगर ये सारे ना सेटिन में होते ना तो बहुत सुंदर लगते, क्योंकि सेटिन में क्या होता है ना कलर खिल के आता है, और इसमें ना कलर खिल के आ रहा है, देखो कितना शाइनी सा लुक लग रहा है, बहुत लॉन्ग में है, नीच तक आपको ये प्रॉपर आएगी, तो अगर आप चाहते हो नीच तक वाली ड्रेस, और इसके नीचे अगर आप व्हाइट टी शर्ट वेयर करोगे ना, लाइक नीचे पहले व्हाइट टी शर्ट फिर इसके ऊपर ये, तो भी बहुत स्मार्ट लुक देगी। अगर आपको नहीं चाहिए ज्यादा स्किन शो नहीं करनी है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, व्हाइट कलर की टी शर्ट वेयर कर सकते हो, नहीं तो डार्क ब्लू या बिल्कुल लाइट शेड में कोई टी शर्ट, और वो भी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, उसमें कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। सो ये था, और नेक्स्ट जिसमें मेरा साइज स्मॉल था, तो ये वाला टॉप मैंने अभी रिसेंट पहना था वीडियो में, अमेजन हॉल वीडियो में मैंने ये वेयर किया था, तो ये मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, बहुत अजीब सा लगा था ये वाला, बस यही वाला मुझे टॉप सबसे गंदा लगा, क्योंकि इसकी फिटिंग इतनी कुछ खास है नहीं जैसा दिखाया हुआ है। इसमें आपको साइड में देखो यहाँ से जिप मिल जाती है, पूरी यहाँ तक ओपन होगी, और स्ट्रेप्स मिल जाती है जो राउंड होके आपको नोट बनाना होगा, बट इसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लुक अच्छा आ रहा है बट फिटिंग अच्छी नहीं है, और एडजस्टेबल नहीं है इसकी स्ट्रेप्स बिल्कुल भी, और फिटिंग अगर अच्छी होती ना तो बहुत सुंदर टॉप ये वाला लगने वाला था, बट अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा स्किप करेंगे, क्योंकि इतना कुछ अच्छा इसका लुक लग नहीं रहा मुझे किसी भी तरह से, और इसमें कुछ ऐसा बताने के लिए कुछ है नहीं, मटेरियल मैं आपको बता दूंगी, फिटिंग तो बहुत ही गंदी है, लाइक नहीं अच्छी नहीं है। स्मॉल मैं वेयर करती हूँ यूजुअली, मेरे को स्मॉल आ जाता है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ जाता है, तो ऐसा है कि ये वाला टॉप नहीं आ रहा है, तो मतलब या तो इसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है, या फिर ये जिस तरह से बनना चाहिए था उस तरह से नहीं आया है, तो इतना कुछ खास मुझे वाला टॉप लगा नहीं है, तो ट्राई ऑन आपको दिख जाएगा, देख लेना ट्राई ऑन कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। सो ये पांच आइटम मैंने एक ही शॉप से परचेज किया, आप कभी भी सर्च करते हो कुछ अच्छा स्टफ दिखता है तो ट्राई किया करो कि एक ही शॉप से आप उसमें कुछ देखो अच्छा अच्छा स्टफ, काफी मिल जाता है, काफी बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे काफी स्टफ मिल जाता है, लाइक जैसे अलोरिंग सीक्रेट से बहुत ज्यादा स्टफ अच्छा मिल जाता है, बट वहां पर एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका जो लाइक क्लोथिंग का मटेरियल है और फैब्रिक है सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये स्टफ मैंने इस बार इंक्लूड किया था, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।